फ्रेंड पावर प्लांट डिस्कशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन आप लोगों के लिए आज नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है कि डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड साइक्लोन इन सीएफबीसी बॉयलर। अगर हमारा सीएफबीसी बॉयलर का आप लोगों ने वीडियो वॉच नहीं किया होगा तो आप लोग प्लीज जाके वहां पे वॉच कीजिए, बहुत ही अच्छा से वीडियो बनाया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा हॉट साइक्लोन और कोल्ड साइक्लोन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो का एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा जिससे आपका पूरा फंडा ही क्लियर हो जाएगा। पावर प्लांट डिस्कशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए अपना आज का जो टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड साइक्लोन के बीच का डिफरेंस वो स्टार्ट करते हैं। देखिए हॉट साइक्लोन में क्या होता है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है हॉट, यानी हमारा इस फर्नेस एरिया में कोई भी हीट ट्रांसफर मीडियम नहीं रखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी क्वाइल्स वगैरह नहीं रखते हैं जिससे हमारा जो साइक्लोन के पास जो इनलेट टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है, नियरली 900 यहाँ पे रहता है, 900 रहता है और फिर यहाँ पे स्पिनिंग एक्शन से नीचे आ जाता है और ये बेड लुप्सिल है। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक ब्लोअर था, उस वीडियो में आप लोग जाएंगे सीएफबीसी बॉयलर का मेरा जो वीडियो है उसमें पूरा बढ़िया से आप लोग देख लेंगे तो ये सब फैन ब्लोअर का बहुत अच्छे से फंडा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से ब्लोअर क्या करता था, फुलडाइज करके ये रिटर्निंग लेक कहलाता था, रिटर्निंग लेक से फिर से बेड में ये प्रोवाइड कर देता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा इसमें कोई भी हीट ट्रांसफर मीडियम नहीं है, तो यहाँ पे हमारा हॉट साइक्लोन से यहाँ से हमारा फ्लू गैस क्या होता है, सेपरेट होने के बाद हेवी डस्ट इधर आ गया, उसके बाद हम लोग का फ्लू गैस इधर आता था। तो पहले एचटी सुपर हीटर से, फिर एलटी सुपर हीटर, फिर इवेपोरेटर, फिर इकोनोमाइजर, एपीएच, फिर ऐसे करके ईएसपी को होते हुए आईडी सक करके चिमनी को प्रोवाइड कर देता था। तो ये क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे हायर टेम्परेचर, यहाँ का जो क्वाइल है इसके अंदर स्टीम यहाँ पे सर्कुलेट करते रहता, वाटर और स्टीम इस सब क्वाइल के बीच में, तो वहां से वो हीट एक्सचेंज करके वो फाइनल सुपर हीटर यहाँ से निकलता था, ये लो टेम्परेचर सुपर हीटर, हाई टेम्परेचर इवेपोरेटर, इकोनोमाइजर, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर करता था और बाकी हम लोग का ये हुआ। मतलब क्या हुआ कि हमारा इनसाइड फर्नेस में कोई भी ट्यूब्स नहीं लगे हुए थे, यहाँ पे बस केवल वाटर वॉल पैनल लगे रहते हैं। और एक और डिफरेंस है कि जो हमारा हॉट साइक्लोन है यहाँ पे साइक्लोन में ट्यूब्स लगे रहते हैं ऐसे करके, इसमें बहुत सारा ऐसे ट्यूब्स लगे रहते हैं जो कि यहाँ पे भी कुछ हीट का ट्रांसफर कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे हाईर टेम्परेचर रहता है तो हीट ट्रांसफर कर लेता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बेड गिरता है, जो हेवी पार्टिकल्स, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फिर उसको हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। आप देखते हैं कि लो टेम्परेचर जो हम लोग का लो साइक्लोन है, कोल्ड साइक्लोन जो है उसका क्या क्या है। तो देखिए जैसे ये डायग्राम में दिखाया है कि हमारा कंबस्टन यहाँ पे हुआ, कोयला आया, एयर प्राइमरी एयर फैन से यहाँ पे एयर फ्लूडाइज किए और यहाँ से लुप्सिल ब्लोअर के थ्रू यहाँ पे फ्लूडाइजेशन करके रिटर्निंग लेक में लाते हैं। तो यहाँ पे जो कंबस्टन स्टार्ट हुआ ये हम लोग का कितना में, कितना डिग्री के बीच में होता है, 900 to 950 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले जाएगा हाई टेम्परेचर सुपर हीटर, फिर लो टेम्परेचर सुपर हीटर, फिर इवेपोरेटर, यानी यहाँ पे आने के बाद ये क्या कर लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे जो फ्लू गैस का जो हम लोग का टेम्परेचर होता है नियरली 400 to 500 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर आ गया तो ये स्पिनिंग एक्शन, यहाँ पे वॉर्टेक्स सिलेंडर लगता है, वॉर्टेक्स सिलेंडर लाइक दैट, इस टाइप का होता है वॉर्टेक्स सिलेंडर में, इसमें ऐसे आके तो ये क्या करेगा, ऐसे करके फ्लू गैस को ऐसे एग्जिट करेगा। सिमिलरली इसमें भी उसी टाइप का रहेगा है और ये ऐसे करके इसको ऐसे एग्जिट कर देता है। तो यह क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर लोअर है तो यहाँ पे कोई भी ट्यूब्स का प्रोविजन नहीं होता है, इसमें ट्यूब लगाते थे और यहाँ पे कोई भी ट्यूब नहीं लगाते हैं। और हमारा जो डस्ट, जो हमारा पार्टिकल्स जो सेपरेट हुआ वो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे फिर से ब्लोअर के थ्रू फ्लूडाइज करके रिटर्निंग लेक के थ्रू बेड में दे देते थे। और फिर जो हमारा एग्जिट होता था लो टेम्परेचर का,
ये फ्लू गैस, ये जितना इतना है थोड़ा सा इतना टेम्परेचर का इधर जब जाएगा तो इकोनोमाइजर से हीट एक्सचेंज करेगा, फिर एफपीएच से हीट एक्सचेंज करेगा। एयर प्रीहीटर के अंदर क्या होता था कि हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी एयर आता था उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और फिर ये फाइनली एपीएस से आउट होके ईएसपी के थ्रू आईडी सक करके चिमनी को प्रोवाइड कर देता था। तो हमारा ये चीज होता है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा लूप सील है ना वो क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है। देखिए लोअर टेम्परेचर का यहाँ पे पार्टिकल गिर रहा है, यहाँ पे ये जो सर्कुलेटिंग होके जो पार्टिकल यहाँ पे सेपरेट हो, लोअर टेम्परेचर है 400-300 क्या है लोअर टेम्परेचर है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे 900 डिग्री टेम्परेचर या कभी इनकेस अगर फ्यूल फिटिंग ज्यादा हो गया ये टेम्परेचर बढ़ गया तो यह क्या करता है, अटेम्परेटर का काम करता है। अटेम्परेशन का काम समझ रहे हैं ना कि वो क्या करेगा, टेम्परेचर को डाउन करता है। जैसे कि हमारा प्राइमरी सुपर हीटर के आउटलेट में टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर वाटर कंट्रोल, वाटर स्प्रे करके, बीएपी का डिस्चार्ज वाटर स्प्रे करके करते हैं ना, वैसे ही इसमें क्या करते हैं कि हमारा ये लो टेम्परेचर का है, जब हमारा बेड का टेम्परेचर बढ़ने लगा तो हम इसका फ्लो इधर कर देंगे। यहाँ पे एक अरेंजमेंट रहता है, ऑटोमेटिक मैनुअल सिस्टम वाल्व रहता है कि आपको अगर इधर लेना है तो आपका कंटिन्यू आते रहेगा, अगर नहीं लेना है इसका जो हेवी पार्टिकल्स है उसको हम लोग यहाँ से, एक पिछला वीडियो मैंने अरेंजमेंट दिखाया था वो आपका यहाँ पे स्क्रू कन्वेयर के थ्रू स्टेटिक कूलर होके वो एयर हैंडलिंग सिस्टम को चला जाता था। तो ये क्या करेगा कि हमारा जो भी यहाँ पे एस पार्टिकल आया उसको इधर बेड टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए और बेड हाइट प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हम लोग का इसका यूज होता है। और क्या होता है, इसका सर्कुलेशन होने से हम लोग का बॉयलर का कंबस्टन का एफिशिएंसी बढ़ जाता है जो कि 98% तक चला जाता है, और हमारा क्या होता है एलओआई जो है वो बहुत ही कम आता है, लॉस ऑफ इग्निशन जो कि हमारे लिए बहुत मस्ट है, और बॉयलर का इससे एफिशिएंसी जो है बहुत ही अच्छा रहता है, लगभग 85% से मोर देन हम लोग का बॉयलर का एफिशिएंसी आता है। तो ये सब चीज हमारा होता है। तो थैंक यू, मुझे लग रहा है कि ये हॉट और कोल्ड साइक्लोन के बीच का आप लोगों को डिफरेंस पता चल ही गया होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है इसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्क्रीन ट्यूब करके एक लगा देते हैं, स्क्रीन सुपर हीटर बोलते हैं, जो यहाँ पे भी कुछ इससे जो आउटलेट होता है यहाँ पे हीट ट्रांसफर करके यहाँ से आउटलेट, और ये जो होता है इसके इनलेट में हो गए, ये फाइनल सुपर हीटर पर चला जाता है। तो ये भी अरेंजमेंट लगाया जाता है कभी कभी बॉयलर का एफिशिएंसी और बढ़ाने के लिए, स्टीम का क्वालिटी और बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू, मुझे लग रहा है कि इस दोनों डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हॉट और कोल्ड साइक्लोन क्या होता है। तो थैंक यू।